प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में सोलर लाइट लगाने के मामले में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। घोटाले में सामने आया है कि जिले के 498 गांव में लगाई गई सोलर लाइट महीने भर में ही खराब हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत मुख्य विकास अधिकारी से की। DPRO का दावा है कि सोलर लाइट लगाने में जिन्होंने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। DM साहब तत्काल संज्ञान लेते हुए उसमें जो है इसकी जांच करा रहे हैं। लगभग 1,91,00,000 रुपए की लाइटें लगी हैं, जिसके लिए 29 जिला स्तरीय अधिकारी लगाए गए हैं जांच करने के लिए। और जैसे जांच रिपोर्ट आएगी वैसे ही अगर वो मानकों के अनुरूप नहीं है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी इसमें, चूँकि धनराशि का मामला है और सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि जहाँ जहाँ पर भी लोग वित्तीय अनियमितता कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, गबन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस मामले में अधिकारी जांच कर रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम के गृह जनपद में हुए इस घोटाले ने सरकार की कार्यप्रणाली को जरूर सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कौशाम्बी से शिवनंदन साहू की रिपोर्ट। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।